Okay, good morning. Am I audible? Yes, sir. Okay, so let's continue further. Last time we have seen what is impulse. Burgesh, impulse kya tha? Product of what and what? Burgesh? Yes, sir. Sir, product impulse of force and time. That is right. Lovely. Abhi agla question likho. What do you understand by impulsive forces? Okay, understand. We have seen impulse is nothing but product of force and time. Remember, if this force is very large, अच्छा मुझे एक बात बताओ, फोर्स बहुत ज्यादा टाइम तक बॉडी के साथ कॉन्टेक्ट में रहेगा तो इट विल प्रोड्यूस मोर फोर्स और लेस इफेक्ट और मोर इफेक्ट इट विल प्रोड्यूस मोर इफेक्ट और लेस इफेक्ट अगर फोर्स ज्यादा टाइम तक बॉडी के कॉन्टेक्ट में रहता है तो टेल मी फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा या कम होगा माज जीतू ओम प्रिशा विधि अरे फोर्स है बॉडी फोर्स इनटू टाइम टाइम बहुत ज्यादा कांटेक्ट में है फोर्स और बॉडी के बीच में टाइम बहुत ज्यादा है तो टेल मी उसका इफेक्ट ज्यादा होगा या कम होगा आई एम सिंपल क्वेश्चन हाँ या ना में बोलो ना हाँ होगा नहीं होगा सर मोर इफेक्ट विल बी मोर दैट इज व्हाट वी फील कि अगर टाइम ज्यादा होगा तो इफेक्ट ऑफ फोर्स विल बी वेरी वेरी हाई एंड लेट मी टेल यू दैट इज एग्जैक्टली रॉन्ग पूरा का पूरा रॉन्ग आई विल टेल यू देयर इज नथिंग रॉन्ग फिफ्थ आंसर देना मतलब ये नहीं आंसर देना मतलब योर आई लाइक द योर एक्टिव बट सुनो मेरी बात ध्यान से एक एग्जांपल दे दो कभी फुटबॉल कौन खेलता है इसमें से तुम लोगों में से फुटबॉल कोई खेलते हैं एनीवन हु प्लेज फुटबॉल जीतू अफीफ बर्गेश ओम यस सर हाँ कौन खेलता है सर भार्गेश भार्गेश मुझे एक बात बता कभी हमको किक मारना रहता है तो बॉल और अपना पांव है उसके बीच में कॉन्टेक्ट बहुत टाइम तक रहता है कि बहुत कम टाइम तक रहता है एकदम दूर पहुंचानी है बॉल को तो हम लोग किक मारते टाइम जो अपना पांव और बॉल का कॉन्टेक्ट ज्यादा टाइम चिपका के रखते हैं या कम टाइम चिपकाते हैं सर कम टाइम में रहता है कम टाइम रहता है इनफैक्ट जितना टाइम कम होगा ना उतना बॉल ज्यादा दूर जाएगा जितना कहां टाइम कम होगा ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसका इंपल्सिव फोर्स का फोर्स इज वेरी लार्ज एंड इफ एक्ट्स फॉर वेरी वेरी स्मॉल टाइम देन दैट इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स देन दैट इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स अच्छा मुझे एक बात बताओ सपोज एक किल्ली है किल्ली नेल उसके ऊपर हैमर करना है अपने को थोकना है अंदर तो टेल मी हैमर और नेल के बीच में टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा होता है कि कम होता है चिपका के रखते हैं हम लोग हैमर को चिपका के फिर मारते हैं कि दूसरे एकदम मारते हैं फॉर वेरी स्मॉल टाइम वेरी स्मॉल टाइम ऑलराइट सिमिलरली आपने क्रिकेट तो सबने देखा होगा क्रिकेट का सिक्स देखा है सिक्स मारते हुए बैट्समैन को ही हिट सिक्स सिक्स देखा होगा ना Yes, अरे सिक्सर मारना मालूम है कि नहीं अरे सिक्सर क्या होता है पता है कि नहीं सर हाँ तो आपने सिक्स मारते टाइम देखा होगा कि टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बैट एंड बॉल इज वेरी वेरी स्मॉल और बॉल कितनी दूर जाती है सिक्स तक पहुंच जाती है इनफैक्ट ऐसा कमेंटेटर बोलते हैं व्हाट अ परफेक्ट टाइमिंग क्या टाइमिंग था टाइमिंग यानी टाइम ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बैट एंड बॉल शुड बी वेरी वेरी स्मॉल तो इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है तो रिमेंबर वन थिंग इंपल्सिव फोर्स इज व्हाट
we know impulse is force into time. This force, if this force is very large and acts for very, very small time, then that is called impulsive force. Kick given to a football, nail and hammer, then batsman hitting a six. Ye sab example hai. Okay, so write down. Aisa likho. We know that impulse equal to force into time. अब प्रिशा नहीं आई है. प्रिशा हैज नॉट कम. ओके, इंपल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम. उसके बाद में लिखो, इफ द फोर्स इज लार्ज एंड एक्स फॉर very small interval of time, or very short interval of time, then that force is called impulsive force. Fir next title likho, examples of impulsive force. उसमें लिखो नंबर वन लिखो, हैमर स्ट्राइकिंग अ नेल. नंबर वन, हैमर स्ट्राइकिंग अ नेल. नंबर टू, किक गिवन टू अ फुटबॉल. And number three, strike of a bat on a ball. Bracket me likho. Batsman hits a six. When the time of contact is very small. Batsman hits a six when the time of contact is very small. हाँ लिखा आपने. उसके बाद लिखो अगला क्वेश्चन लिखिए. स्टेट एंड एक्सप्लेन. ये बहुत फेमस लॉ है, सभी को पसंद है ये वाला लॉ. लिखो स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. हाँ तो लगा दो किसी को भी. थर्ड लॉ, एनीवन हु कैन टेल मी थर्ड लॉ ऑन योर ओन. सबको आता होगा, सबको. बोल. टू एवरी एक्शन फोर्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. दैट्स राइट. इसमें है ना जनरली एक वर्ड जो कि जनरली नहीं लिखते. टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल कॉमा अपोजिट एंड एनीबडी कैन टेल मी एक वर्ड आएगा रिएक्शन के पहले. एनीबडी? साइमल्टेनियस रिएक्शन. अभी समझो मैं इसको मारता हूं तो मेरे को बाद में 5 मिनट बाद नहीं मिलेगा, तुरंत मिलता है रिएक्शन. साइमल्टेनियस, ऑन द स्पॉट. डिले नहीं होता है जस्टिस देने में. इफ देर इज एक्शन देर इज इमीडिएट इंस्टेंट रिएक्शन. ऑलराइट, तो लिखो, राइट डाउन स्टेटमेंट लिखो, न्यूटन थर्ड लॉ स्टेटमेंट. ऐसा लिखो, टू एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज एन इक्वल अपोजिट
and simultaneous reaction. There is an equal, opposite, and simultaneous reaction. Remember, in both important question, I'll be title equal explanation. Title equal. मुझे एक बात बताओ. Okay. मुझे एक बात बताओ कि जो एक्शन और रिएक्शन होता है क्या एक ही बॉडी पे एक्ट करता है कि अलग अलग बॉडी पे एक्ट करता है. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लॉ का. सेम बॉडी पे एक्ट करता है कि डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है. अरे हाँ बोलो ना यार आफिफ. अच्छा नाम लेना पड़ेगा. हुसैन. हुसैन यस सर. This action reaction act on the same body or different bodies? Different bodies. हाँ क्या बोला? हेलो same body sir. same body. ओम तुम क्या बोलते हो? ओम same body. Same body is absolutely. Wrong. Action reaction always act on different bodies. For example, देखो ये suppose white board है. इसको मैं मार रहा हूँ. तो ये suppose white board है और मेरा हाथ भी. तो दिया ये action मैंने किसको दिया? A को. Reaction किसको मिल रहा है? रिएक्शन किसको मेरे हाथ को मिल रहा है ना. अगर मैं बहुत जोर से मारूंगा तो मेरा हाथ टूट भी सकता है क्योंकि रिएक्शन भी उतना ही मिलेगा मेरे को. धीरे से मारूंगा तो रिएक्शन भी कम मिलेगा. रिमेंबर एक्शन रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी. इफ अ बॉडी ए गिव एक्शन ऑन बॉडी बी, देन बॉडी बी विल गिव रिएक्शन ऑन बॉडी ए. मतलब अगर ये सपोज ये बॉडी ए जाके टक्कर मारती है किसको? बॉडी बी को. बॉडी बी को जबरदस्त टक्कर मारती है तो बॉडी बी क्या करेगी? बॉडी बी एग्जैक्टली अपोजिट टक्कर देगी. इसलिए एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, दे ऑलवेज एक्ट ऑन बोलो क्या? डिफरेंट बॉडी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नेवर फॉरगेट दिस. एक्शन रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली एंड एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. एक बॉडी एक्शन दे रही होगी, दूसरी बॉडी रिएक्शन दे रही होगी. आई होप दैट्स क्लियर. समझ में आया? ओके ओके राइट डाउन. ऐसे लिखो, एक्सप्लेनेशन में लिखो, हियर द टर्म एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्सेस. हियर द टर्म एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्सेस. प्रिशा यू केम नाउ. प्रिशा ओके. एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्सेस. Full stop. Reaction is a counter force. Actually, reaction counter वाला force बोलते हैं. Action counter वाला नहीं, action तो देते हैं धपाक करके. और reaction जो मिलता है वो अपने को counter होता है. Reaction is a counter force. Full stop. Thus, as per this law. When a body capital A exerts a force on the body capital B, comma, the body capital B exerts an equal and opposite force on body capital A. Full stop. Thus, action and reaction act on different bodies.
भी लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड लॉ, बहुत सारे एग्जाम्पल है लेकिन मैं दो तीन सिंपल वाले एग्जाम्पल्स दे देता हूँ. एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड लॉ, एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड लॉ, ये आपने देखा होगा. When a bullet is fired, the gun recoils. So this is action and this is reaction. All right, एक सिंपल एग्जाम्पल. ये आपने स्कूल डेज में किया होगा ना. When a bullet is fired, the rifle or the gun, जो भी बोलो, recoils. सुना है कि नहीं? Yes. Yes. Okay. Then okay. ये ना the second example is valid for a small boat, not for a big ship. एक छोटी सी boat है suppose. ये suppose किनारा और यहाँ पे एक छोटी सी boat. Alright, यहाँ पे suppose एक platform बना है. छोटी बोट के लिए एप्लीकेबल है. सपोज देयर इज अ सेलर एंड ही रन्स तक 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 भागते भागते इधर आता है. तो दिस इज व्हाट इज एक्शन. व्हाट हैपेंस टू द बोट, व्हाट हैपेंस टू द बोट, व्हाट हैपेंस टू द बोट सर, बोट स्टार्ट्स टिल्टिंग टू, इट स्टार्ट्स मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, पीछे जाना चालू कर देती है. सो दैट इज, this is action, this is reaction. Action, reaction act on different bodies. वो ध्यान रखो. Okay. Then आपने देखा होगा rocket जब भी जाता है ऊपर तो fuels are exerted with force in the downward direction. देखा होगा ना आपने टीवी पे कभी कभी दिखाते हैं rocket को जाते हुए. तो fuels with force are downward and reaction of rocket is upward. All right. तो लिख डालो तीनों example. अपने ओन वर्ड्स में लिखना, कुछ भी वर्ड कॉपी मत मारना, वर्ड टू वर्ड लिखने की कोशिश मत करना. जो भी दिमाग में अपनी इंग्लिश सुइटेबल इंग्लिश में लिख डालो. ओके, लिखो एग्जांपल्स ऑफ थर्ड लॉ. लिखो व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम, नंबर वन एग्जांपल, नंबर वन व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम राइफल, लेट अस से राइफल लिख डालते हैं, कॉमा द राइफल रिकॉइल्स, द राइफल रिकॉइल्स. सेकेंड, व्हेन अ सेलर जंप्स, व्हेन अ सेलर जंप्स from a small boat near the shore. When a sailor jumps from a small boat near the shore, comma, the boat moves, comma, the boat moves backward from the shore. And last example, lik dalo. Third, when the fuel in a rocket, when the fuel in a rocket is ignited, comma, the hot gases are ejected from the rocket, comma, the hot gases are ejected from the rocket with a large force, with a large force in the downward direction, with a large force in the downward direction, full stop. According to this law, according to this law, an equal and opposite force, an equal and opposite force of reaction acts on the rocket. Therefore,
it moves in the upward direction. Therefore, it moves in the upward direction. इसके बाद टाइटल लिखो, इसके बाद एक क्वेश्चन लिखो. स्टेट एंड प्रूव, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट डाउन स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. Law of conservation of momentum. Anybody can tell me its statement? Because if F x is equal to zero, P equal to mv equal to constant. इसको कौन बोलेगा? मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है मैंने. अपना स्टेटमेंट मन से कुछ भी बोलो, बनाओ बिंदास. रॉन्ग तो रॉन्ग, रॉन्ग तो रॉन्ग. F equal to zero and P equal to mv equal to constant. कुछ भी बोलो, मेरे को चाहता हूँ कुछ ना कुछ बोल दो. कौन बोलेगा? माज, हुसैन, जीतू. जीतू तुम्हारी आवाज नहीं आई जरा भी. हाँ बोल, इसके बारे में कुछ बोल. विधि, ये इसको वो प्रॉपर स्टेटमेंट बनाना है. मैं बोलूं? अच्छा इसको क्या बोलोगे खाली बताओ. देखो इसके स्टेटमेंट के फिक्स वर्ड नहीं रहते अपने. इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, यानी If no external force acts on the body, the total, ये क्या होता है? P याने? P याने क्या होता है? P, mv? The momentum. Momentum. The total momentum of the body remains constant. The total momentum of the body remains constant. खत्म. But ऐसा भी लिख सकते हैं. मतलब इसके different ways हैं. No need to. The total momentum of the body remains constant, provided no external force acts on the system or acts on the body. Whenever no external forces are acting on the body, the total momentum of the system remains constant. कुछ भी बोलो, ये meaning आना चाहिए. और एक और statement है, बहुत interesting statement है वो. देखो, suppose there are two bodies A and B. Suppose ऐसे ऐसे दोनों जा रहे हैं, इसकी velocity से ज्यादा टक्कर होती है. ये suppose U1, ये suppose U2. टकराने के बाद सपोज इन दोनों की वेलोसिटी हो जाती है v1 v2. टक्कर हुई, इसके बाद इसकी v1, इसकी v2. सेकंड स्टेटमेंट इज व्हाट, यू नो, द टोटल मोमेंटम ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम, ये टोटी यानी टोटल मोमेंटम ऑफ दीज बॉडीज आफ्टर कोलिजन, प्रोवाइडेड क्या बताओ? Provided no external force acts on the system or acts on the bodies. दोनों लिखने का एग्जाम में. पहला क्या? If no external force are acting on a system, the total momentum of the system remains constant. Second statement, the total momentum of colliding bodies before collision is equal to total momentum of these bodies after collision, provided no external force acts on the system. I hope that's clear, लिखो. चलो पहले स्टेटमेंट लिख दे लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा. यू कैन राइट स्टेटमेंट नंबर वन, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम कॉमा, the total linear momentum of the system is constant. The total linear momentum of the system is constant. Or, you can write other statement. The total momentum of the colliding bodies
the total momentum of the colliding bodies before collision is equal to the total momentum of these bodies is equal to total momentum of these bodies after collision provided kya likhna hai provided batao anybody provided ke baad kya likhunga bolo अरे कोई तो बोलो फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज जीरो या और प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट वो राइट ना एक्सटर्नल फोर्स एक्ट इज जीरो इज आल्सो राइट प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट और वे टाइटल लिखो प्रूफ और प्रूफ के बाद ये डायग्राम ड्रॉ करो पहले A, B. इधर लिखो बिफोर कोलिजन after collision iska mass m1 यस डायग्राम बनाया आपने बोलो बच्चों ओके मुझे कोई बताएगा मुझे ना थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत मजा आता है रॉन्ग आंसर में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है रॉन्ग आंसर दिया मतलब आई विल नॉट इंसल्ट यू और समथिंग पहले मुझे बताओ व्हाट एग्जैक्टली विल प्रूव बोलो बोलते टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन तो इक्वेशन क्या आएगा एनीवन हु कैन टेल मी द इक्वेशन व्हाट To prove that, क्या लिखू इधर क्या लिखू और इधर क्या लिखू To prove that, anyone? अच्छा चलो मैं थोड़ा हेल्प करता हूं What is the momentum of A before collision? So U1. M1 U1. What is the momentum of B before collision? So U2. खाली M to U2 टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी एग्री
Similarly, what will be total momentum after collision? अब तो बोल दो यार, अब बोल दो. अब बोल दो. M1 V1 plus M2 V1 V2. M2, V2. This is what you have to prove. It is so simple. External forces acting. अब देखो मैं problem है. इसका बता दो. अपने own words में लिख सकते हो सब. Consider two bodies A and B of masses M1 and M2 moving along the same straight line with velocities U1 and U2 in the same direction such that एक टक्कर होने के लिए condition. Anybody can tell me what is that condition? तो ही टक्कर होगी, नहीं तो टक्कर कभी नहीं होगी, लाइफ में नहीं होगी. Anyone who can predict the condition? सर ये condition satisfy होना चाहिए, तो ही टक्कर होगी, नहीं तो नहीं होगी सर. What is that condition? अरे यार simple condition. U1 has to be greater than U2. ये पीछे तेज जाएगा, ये slow जाएगा, तो ही टक्कर होगी. अगर ये सब 50 मीटर पर सेकंड 30 मीटर पर सेकंड लाइफ में कभी टक्कर होगी नहीं. एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? यस और नो? यस सर. ओके सच दैट यू वन ग्रेटर देन यू डू, देयरफॉर ए कोलाइड विद बी. अगर ड्यूरिंग कोलिजन लेट्स से एफ बी इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय फोर्स एक्सपीरियंस बाय बी ऑन ए बिकॉज ऑफ ए एंड एफ ए बी बिकॉज ऑफ न्यूटन सो लॉ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो एफ ए बी इज फोर्स गिवन, अरे एफ ए बी और एफ बी ए करते हैं, फोर्स गिवन बाय ए ऑन बॉडी बी, फोर्स गिवन बाय बी ऑन बॉडी ए. चलो ऐसा कर देते हैं. एफ ए जब जाके उसको एक्शन दे दिया एफ ए बी, और बी बी के चुप थोड़ी बैठेगी. न्यूटन थर्ड लॉ रिएक्शन दे दिया उसको. माइनस माइनस क्यों लगाया? एनीबॉडी माइनस क्यों लगाया? ओ बोलो माइनस क्यों लगाया? विधि माइनस क्यों लगाया? विधि दैट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन. बोल ना भैया, तुम लोग क्यों बोलते नहीं? मेरे को ऐसा नाम लेना पड़ेगा. इनवाइट इनविटेशन. विधि आई एम इनवाइटिंग यू टू स्पीक. ऐसा मत करो. ओके अपोजिट डायरेक्शन एंड लेट द टू बॉडीज हैव वेलोसिटी वी1 एंड वी2 आफ्टर कोलिजन. ऑलराइट सो वी अंडरस्टैंड लाइक दिस. देखो मुझे है ना एक बात बताओ, कैसे एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए? बोला न्यूटन थर्ड लॉ, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, दैट इज एम वन ए वन इक्वल टू माइनस एम टू ए टू. विल दैट डू? बोलो बोलो. Force is mass into acceleration. A1 can I say V1 minus U1 upon T. M2 can I say V2 minus U2 upon T. But since T is same time of contact, suppose A B ke saath 2 second rehta hai, to B A ke saath bhi 2 second rehta hai, to time of contact is same. TT gets cancelled. Therefore M1 into V1 minus U1 equal to minus M2 into V2 minus U2, and therefore M1 V1 minus M1 U1 equal to minus M2 V2 plus M2 U2. इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, और पहले इसको लिख दो यहाँ पे. Therefore M1 U1 plus M2 U2 equal to M1 V1 plus M2 V2. And therefore proved. कितना इजी है, कितना इजी है, यू कैन इमेजिन. इट इज सो सिंपल. खाली इसमें है ना ये लिखने के भाई डायग्राम ड्रॉ करने के बाद थोड़ा राइटिंग पढ़े अपने ओन वर्ड्स में लिखने का. कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस एम वन एंड एम टू मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन सच दैट बी अहेड ए इज बिहाइंड. A has velocity u1, B has velocity u2, but let us assume u1 is greater than u2. Therefore, A and B collide. During collision, let AB is the force exerted by A on the body B by Newton's third law of action and reaction. An equal and opposite force, FBA, will be exerted by B on A. Yet, the two bodies have velocity v1, v2 after collision. Then, yeah, by Newton's third law, FAB equal to minus FBA, but force equal to mass into acceleration. For M1 A1 equal to minus M2 A2,
Therefore, M1 into V1 minus U1 upon T equal to minus M2 into V2 minus U2 upon T. TT gets cancelled. बस इसके बाद मैथमेटिक्स किया, ये प्रूव कर रहा था, ये प्रूव हो गया है क्या? डिफिकल्ट है बच्चों? इज इट डिफिकल्ट और सिंपल? अजीतू डिफिकल्ट है कि इजी? माज माज और माज की आवाज नहीं आई सर, इजी है। गुड, तो हम लोग स्टार्ट करें लिखना। डायग्राम तो बना लिया ना, डायग्राम बना लिया ना? हाँ लिखो। कंसीडर, ये कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी, फटाफट लिखो। कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस m1 एंड m2। कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस m1 एंड m2 मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। And in the same direction, and in the same direction, with velocities u1 and u2. Such that, क्या लिखाऊंगा such that बताओ? Anybody who can tell me, sir, आप ये लिखाने वाले हैं? Such that u1 is greater than u2. That's right. Very good, Jitu. Such that u1 is greater than u2. Well, so therefore, body A collides with body B. Therefore, body A collides with body B. बाद लिखो फुल स्टॉप। सपोज आफ्टर कोलिजन द टू बॉडीज स्टार्ट मूविंग विथ वेलोसिटीज वी वन एंड वी टू रिस्पेक्टिवली, आदर के साथ रिस्पेक्टिवली, और फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट लाइन में। ड्यूरिंग कोलिजन बॉडी ए एक्सर्ट्स अ फोर्स FAB ऑन बॉडी बी। फुल स्टॉप। According to Newton's third law, the body B exerts an equal and opposite force minus FBA on body A. Therefore, ये पूरा कॉपी कर, यहां से लेके यहां तक फुल कॉपी कर दो।